के सर्कल का गांव में एक और आदमी। कौन है वो? लखा धोबी का बेटा। जाओ उसे हमारे पास पेश करो। जी ठाकुर साहब। जाओ। ये कौन है हमारी सकल का? आने दो, हम भी देखते हैं कौन है हमारी सकल का। हमारे सकल का आदमी है। लखा धोबी का बेटा, हमारे सकल का। धोबी तुम मेरे साथ चलो हवेली, ठाकुर साहब बुलाए। ठाकुर साहब बुलाए हैं? ठीक है आप चलिए, हुजूर मैं आ रहा हूँ। जल्दी से आना। ठीक है साहब। अरे ठाकुर साहब बुलाए हैं, लगता है आज मुझे जरूर कुछ इनाम देंगे। हाँ चलना चाहिए। ठाकुर साहब बुलाए हैं, ठाकुर साहब बुलाए हैं। ठाकुर साहब बुला है। क्यों रे? अरे ठाकुर साहब बुला है, और ये क्या हो गया भाई? चल बाहर की लग गए। ठाकुर साहब ये याद है धोबी। जी ठाकुर साहब, मुझे आपने बुलाया। अरे ये तो सच में नहीं हो सका है। अरे चुप कर, ये बता धोबी तेरा नाम क्या है? मेरा नाम बजीरा, बजीरा धोबी है ठाकुर साहब। अच्छा बजीरा धोबी, लखा धोबी का बेटा बजीरा धोबी। अच्छा ये बता बजीरा, तेरी माँ क्या हमारे हवेली में काम करती थी क्या? नहीं ठाकुर साहब, माँ नहीं बल्कि आपके हवेली में मेरे पापा काम करते थे। इसका बाप काम करता था हमारे हवेली में? मतलब ए बजीरा धोबी, तू मेरे नजरों के सामने से हट जा। तू नजरों के सामने से हट जा, और बल्कि तू इस गांव को छोड़ के चला जा वरना तुझे मैं जान से मार दूंगा, तुझे मैं जान से मार दूंगा, तू चला जा। ठीक है ठाकुर साहब, मैं कभी आपको अपना शकल नहीं दिखाऊंगा और गांव से बाहर चला जाऊंगा। मुझे लगा था ठाकुर साहब कोई इनाम देंगे, पर ये तो मुझे गांव से ही निकाल।